हेलो फ्रेंड्स। चाय? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो लॉकडाउन कैसे चल रहा है? सॉरी सॉरी रियली सॉरी। ठीक है मुद्दे पे। सो टॉप 10 रोमांस एनिमी सीरीज स्लैश मूवीज़। लेकिन उसके पहले मेरी कुछ बातें बता दूँ। मैंने उस साइट की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, ना कि डायरेक्टली उस एनिमी की, ओके? और जो भी मैं एनिमी मूवी सजेस्ट करूँगा उसका ट्रेलर मत देखना, ओके? और अगर फिर भी तुम लोग ने ट्रेलर देख लिया तो मत मान मा छूद। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे पर्सनल चॉइस पे 10th नंबर पे है हेलो वर्ल्ड। इसका दूसरा नाम है अनदर वर्ल्ड। ये मूवी मेरे को अच्छी यानी कि ठीक ठाक लगी, क्योंकि इसमें सब कुछ है, ड्रामा, रोमांस, साइंस फिक्शन, एक्शन, लेकिन सब कुछ एवरेज है। और 9th नंबर पे है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ बनी गर्ल सेंपाई। हाँ नाम थोड़ा अलग है लेकिन मस्त है। ये एक सिंड्रोम के बारे में है, प्यूबर्टी सिंड्रोम, लेकिन वो आपको सिंड्रोम लास्ट एपिसोड तक नहीं पता चलेगा, इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, वो डायरेक्टली मूवी में पता चलेगा। और 8th नंबर पे है द एंथम ऑफ द हार्ट। ये वाली मैंने देखी हुई है ना, मस्त मूवी, एक नंबर, एकदम टौका। और इस मूवी की स्पेशल बात यह है कि जो 2nd नंबर पे जो हमारे लिस्ट में है ना, उसके डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है, और वो 2nd नंबर के लिए सब्र करो। सो 7th नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग है बोर्डिंग स्कूल जूलियट, जो कि 12 एपिसोड की एक सीरीज है। ये ना यानी कि दो ग्रुप्स रहते हैं, ब्लैक डॉग्स और वाइट कैट्स, उन दोनों के बीच में का लव है, उनके लीडर्स के बीच में का। सो देखो मस्त है। और 6th नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग है गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये एक शॉर्ट फिल्म है 45 मिनट्स की, ऑफ डायरेक्टर, रेयर डायरेक्टर माकोतो शिंका है। इस जैसा डायरेक्टर मिलना है यानी कि बहुत मुश्किल है, और उसने 45 मिनट्स में इतनी अच्छी लव स्टोरी बोली है ना, मस्त है, इट इज़ अ मस्ट वॉच। सो 5th नंबर पे है रेनाई सीरीज़। इस सीरीज़ में 2 मूवीज़ और एक 6 एपिसोड की सीरीज़ है, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये स्कूल लव स्टोरी है और इसका एनिमेशन भी अच्छा है। ये टॉप नॉच एनिमेशन नहीं है, इस लिस्ट में दूसरा है जिसका एनिमेशन इससे अच्छा है, लेकिन ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। एंड नाउ ऑन 4th नंबर इज वेदरिंग विथ यू, जो कि अभी करंट हिट है, और यही माकोतो शिंका है द रेयर डायरेक्टर की मूवी है। और इसमें जो सीन्स लिए, यानी कि यही मैं कह रहा था बेस्ट एनिमेशन मूवी इन दिस लिस्ट, ये वाली मूवीज़ एक नंबर है, सच्ची में कह रहा हूँ। एंड नाउ ऑन 3rd नंबर इज़ क्लैनेड एंड क्लैनेड आफ्टर स्टोरी। इन लोग की एक मूवी भी है लेकिन ये दोनों मेन है, उसमें से भी आफ्टर स्टोरी सबसे मेन है। ये यानी कि इसके लास्ट एपिसोड ने तो मुझे रुला दिया था यार, बहुत सही है ये। असल में मैं इसको 1st नंबर पे रखने वाला था, लेकिन ये मेनली मूवीज़ के लिए है ना, इसलिए मैंने ये इसको 3rd नंबर पे। और अभी वो जिसके लिए तुम लोग इंतज़ार कर रहे थे 2nd नंबर वाली, ये अनोहाना, दिस इज़ द बेस्ट सीरीज़। इसकी मूवी भी है लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो 11 एपिसोड ने जो इसने रुलाया है भाई, एक नंबर। और ऐसा कुछ नहीं है, आप मूवी देख भी सकते हो। रुको जरा, सबर करो। फर्स्ट वाला जानने से पहले, नहीं नहीं वो बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाने की भक्चोदी मैंने करता, उसके पहले वो साइन करो। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में पिटिशन दिया है वो साइन करो, ओके? एंड नाउ ऑन द 1st नंबर वी हैव योर नेम। ये भाई मूवी है ना, लिटरली तुम लोग देखोगे ना, तुम लोग रियली बोलोगे समझा नहीं लेकिन अच्छा लगा, इतनी मस्त मूवी है ये। तुम लोग को है ना ये मूवी बार बार देखनी पड़ेगी ऐसा, इसको समझने के लिए, इट इज़ अ मस्ट वॉच। तो गाइस 1st नंबर पे एक और है, और ये वाली मेरे दिल के बहुत करीब है। ये असल में आपको 1st टाइम में समझ में तो आ जाएगी, लेकिन है ना 1st टाइम में उतना फील नहीं होगा, लेकिन ये वाली मेरे दिल के बहुत करीब है, आप इसे देखना ही, बिल्कुल देखना।
अभी सब लोग बोलेंगे ये 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 क्या लिस्ट है, तेरे को आती भी है क्या लिस्ट बनाने? इसमें स्पिरिटेड अवे नहीं है, साइलेंट वॉइस नहीं है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज नहीं है, वुल्फ चिल्ड्रन नहीं है, तेरे को आती भी है क्या लिस्ट बनाने? क्या लिस्ट बनाया तूने? तो फिर रुको जरा, सबर करो। सबके लिए रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंट वॉइस मेरे को अच्छी नहीं लगी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड अच्छी नहीं लगी, फिर बाद में वुल्फ चिल्ड्रन ठीक ठाक लगी, फिर बाद में ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, उसको तो वर्स्ट मूवीज़ में डालूंगा मैं। ठीक है, बस हो गया वीडियो, अभी चलो पेटिशन साइन करो।